अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के लोनी इलाक़े के दीनी इदारा मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल कुरान का मुख्तसर तारुफ और वहाँ का ऐलान दाखिला पेश खिदमत है। इदारे के मुहतमिम मौलाना कारी मोहम्मद फरमान कासमी सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामनगार की दरख्वास्त पर दफ्तर में तशरीफ़ लाए थे। हजरत का मुकम्मल इंटरव्यू भी पेश खिदमत है। और आप बहुत अच्छा हुस्न इंतज़ाम से लेकर इदारे को चल रहे हैं। आपके यहाँ यूपी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, 1 सितंबर से दाखिलों का ऐलान हो रहा है, तो आपके यहाँ किस तरह दाखिले कब दाखिले होंगे? हमने एक इसमें आपको एक तहरीर भी दी है जो आपको मैं दे करके जा रहा हूँ और आप स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। जो सरकारी गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, हमने तलबा के जो सर पर रखे हैं उनको हिदायत दी है कि एक तो अपनी मर्ज़ी लिख करके देंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे को दाखिल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मास्क का, सैनिटाइज़र का और पूरी इमारत की सफाई, ये हमने लाजमी करार दी है। इसी के साथ साथ अगर कोई तालिब इल्म हमारे यहाँ दाखिला लेना चाहता है, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो में और उसके पूरी जितनी भी क्या नाम उसके वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देना हमारे यहाँ लाजमी है। और जो सरकारी ऐलान हुआ है इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। तलबा से और तलबा के घर वालों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि उसी के तहत हमारे यहाँ बच्चे दाखिल करें और उसी के तहत बच्चे हमारे यहाँ आए। देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब ने एक गाइडलाइन खुद जारी की और ये मौलाना साहब का जो दीनी इदारा है, ये अंजुमन दावत अल कुरान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के दिन इंतजाम चलता है। मौलाना ने एक ऐलान लिखा है, ऐलान दाखिला मौलाना लिखा है, इसमें इलाके लोनी की मशहूर मारूफ दीनी तालमी इस्लाही दरसगाह मदरसा इस्लामिया अरबिया दार कुरान में दाखिलों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लिहाजा ख्वाहिशमंद हजरात वक्त पर मदरसा पहुंचकर अपने बच्चों की दाखिले कार्रवाई पूरी कर लें। दाखिले सिर्फ 10 सितंबर ही जारी रहेंगे, जो अगला महीना आ रहा है 3 दिन बाद में 10 सितंबर तक दाखिले जारी रहेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि दाखिले वक्त सरपरस्त जिम्मेदार का बच्चे के साथ होना लाजमी है। वालिदैन में से वालिद साहब हों, वालिद नहीं है तो और कोई सरपरस्त हो उसका होना ज़रूरी है। जिम्मेदार का ID प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ होना लाजमी है। दाखिले के वक्त बच्चे की उम्र 8 साल से कम, अलबत्ता अगर बच्चे ने पहले से किसी मदरसे में तालीम हासिल की है तो उसको छूट दी जा सकती है। अगर बच्चे ने पहले किसी मदरसा स्कूल में तालीम हासिल की है तो उस मदरसे स्कूल का सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी होगा। अगली शर्त यह है कि मदरसे में रहकर COVID-19 की शराइत पर अमल करना होगा। मौलाना का जो निसाब तालीम है वो माशाल्लाह बहुत उम्दा है, उसमें कवायद और इजरा के साथ नूरानी कायदे की आला तालीम है। कुरान करीम, हिफ्ज नादरा, मै तजवीद, उर्दू दीनियात, मैं मुख्तसर मसाइल, दर्जा नर्सरी से दर्जा 8 तक असरी तालीम, इंग्लिश हिसाब पर खास तवज्जो, मखसूस तलबा के लिए कंप्यूटर की तालीम। मौलाना के यहाँ दर्जा 8 तक सरकार से मंजूर शुदा है मदरसा माशाल्लाह। माहिर और मेहनती असातिज़ा के जरिए तलबा की तालीम तरबियत, माहाना तालीमी जायजा, आला नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को उमदा इनाम, तलबा के रहने के लिए वसी और साथ देगा। ये नामानगार अभी कई महीने पहले मौलाना के यहाँ गया था, मदरसे में हाजिर हुआ था, मैंने खुद वहाँ जाकर जायजा लिया है। माशाल्लाह मौलाना जिसके अंदर लिखा है उससे कहीं बेहतर इनका दीन इदारा है। दुआ बेहतर है अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन दोनों रास्तों की तरक्की नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा।